और बात करेंगे सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की। मुंबई के परेल स्टेशन पर भगदड़ मची है और मुंबई हादसे में मृतकों की संख्या बड़ी है, 15 पहुंची मृतकों की संख्या, कई लोग घायल हुए हैं, रेलिंग टूटने की अफवाह हुई थी जिसके बाद ये भगदड़ मची, बड़ा हादसा हुआ है। सुबह करीब 10:30 बजे ये हादसा हुआ, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, लगातार राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, कई लोग इसमें फंसे हुए हैं, कई लोग एक के ऊपर एक दबे हुए हैं जिनको बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, तमाम टीमें जुटी हुई हैं। परेल स्टेशन पर यह हादसा हुआ है, त्योहार के मद्देनजर काफी भीड़ थी स्टेशन पर, इसी दौरान रेलिंग टूटने की अफवाह फैली और बड़ा हादसा हो गया, भगदड़ मची, मृतकों की संख्या 15 तक पहुंच चुकी है और अभी और ये संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है, कई लोग घायल हुए हैं, सभी लोगों को जितने भी घायल हुए हैं अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा रहा है। रेलिंग टूटने की अफवाह मची थी, सैकड़ों की संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, इस दौरान बड़ा हादसा हुआ है। मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, परेल स्टेशन पर भगदड़ का ये मामला, सुबह 10:30 बजे ये हादसा हुआ, त्योहार है, त्योहार के सीजन में काफी बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन पर मौजूद थे, अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे, इसी दौरान रेलिंग टूटने की एक अफवाह फैली जिसके बाद ये हादसा हुआ, 15 पहुंच चुकी है मृतकों की संख्या और अभी ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की आशंका है, कई लोग घायल हुए हैं, 10:30 बजे सुबह ये हादसा हुआ, कई लोगों के घायल होने की यहाँ पर खबर सामने आ रही है, ज्यादातर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। सुबह 10:30 बजे ये हादसा हुआ, परेल स्टेशन मुंबई में ये हादसा हुआ है, भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ है, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, तमाम लोगों की मदद से तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, पहली प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाला जाए जो एक दूसरे के बीच फंसे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लदे हुए हैं, क्योंकि भगदड़ बहुत जल्दी में हुई, रेलिंग टूटने की अफवाह जैसे ही फैली लोग तुरंत अफरा तफरी में भागने लगे और इसी भागदौड़ में, इसी भगदड़ में कई लोग दब गए, 15 लोगों की मौत हो गई है, संख्या ये बढ़ भी सकती है, कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, कई लोगों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं, पुलिस मौके पर है। मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10:30 बजे बड़ा हादसा हुआ मुंबई में, परेल स्टेशन पर भगदड़ मची, रेलिंग टूटने की खबर से ये हादसा हुआ जिसके बाद ये जानकारी सामने आई, अभी पूरी तरह से साफ नहीं है कि हादसा किन वजह से हुआ, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो सामने आ रही है, जो लोग बता रहे हैं कि रेलिंग की अफवाह फैली थी कि रेलिंग टूट रही है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि ब्रिज के एक शेड गिरने से अफरा तफरी मची और इस दौरान ये अफवाह फैली कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, लोग भागने लगे, बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि ये ब्रिज वेस्टर्न और ईस्टर्न रेलवे लाइन को जोड़ता था और इस ब्रिज पर काफी भीड़ भी रहती है, लिहाजा यही वजह है कि भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हुआ, 15 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के परेल स्टेशन की यह घटना, परेल एल फिंस्टन रेलवे ब्रिज पर यह भगदड़ मची और भगदड़ में 15 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, मौके पर दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच चुकी हैं, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह भगदड़ क्यों मची है, फिलहाल पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन सबसे पहली कोशिश यह है कि जितने भी यात्री हैं जो इस भगदड़ के शिकार हुए हैं, जो वहां घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जाए जिससे कि जान बच सके। फुटओवर ब्रिज पर रेलिंग टूटने से लोग गिरे, एक शेड गिरा, अफरा तफरी मची, शॉर्ट सर्किट की एक अफवाह फैली जिसके बाद यह हादसा हुआ। मुंबई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां परेल स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ, सुबह 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट की अफवाह से यह भगदड़ मची और जो तस्वीर देखने को मिली वो आपके सामने है, 15 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, 15 लोग हो चुकी है जान जाने की, अभी ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, कई लोग फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, कई एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं, पुलिस की टीम मौके पर है, दमकल की गाड़ियां मौके पर है, सबसे पहले कोशिश यही है कि लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। परेल एल्फिंस्टन रेलवे ब्रिज पर यह भगदड़ मची। तो मुंबई से खबर आपको बता रहे हैं, परेल एल्फिंस्टन रेलवे ब्रिज पर यह भगदड़ मची है, जैसे ही ये सूचना पुलिस को लगी तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को तुरंत निकालने की कोशिश की गई, सुबह 10:30 बजे ये घटना घटी, अब तक ये साफ अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भगदड़ क्यों मची, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, जो बातचीत हुई है संवाददाताओं की,
कि आखिर क्या वजह रही। तो प्रथम दृष्टया लोगों का यह कहना था कि एक शेड गिरा, जिसके बाद अफरा तफरी मची और कुछ लोगों ने एफआईए फैलाई कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, करंट भी हो सकता है, जिसके बाद ये भगदड़ मची। सुबह का वक्त था, भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आज से चार दिन की छुट्टियां हैं, 2 अक्टूबर तक की छुट्टियां हैं। लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और ये रेलवे ब्रिज पर लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे, अपने अपने प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान ये शेड गिरा, जिसके बाद ये हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ है। 15 मृतकों की संख्या यहां पर साफ हो पाई है और अभी ये संख्या और भी बढ़ सकती है।